हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स, क्लास प्लस टू, चैप्टर फोर। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस वगैरह के बारे में, हाउ टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट, जिसके लिए हमने डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 पढ़ा था, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अब हम जो अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। देखिए स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट CBSE में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, CBSE बोर्ड्स में या हरियाणा बोर्ड के भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो इसके लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं कि सूडो जो वर्ड है उसका मतलब होता है फाल्स, यानी कि वो रिएक्शंस जो फाल्सली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। फाल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का मतलब वो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, लेकिन बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर। दीज रिएक्शंस बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो दोज रिएक्शंस विच आर नॉट एक्चुअली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, वो कुछ कंडीशंस होंगी जिन पर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की तरह बिहेव करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम दो एग्जांपल लेने वाले हैं, तो जो एग्जांपल होगा उसमें जो एग्जांपल्स हम लेंगे उनमें एक रिएक्टेंट है वाटर, उस वाटर को अगर हम एक्सेस ले लेते हैं तो वो कंडीशन बन जाती है कि वाटर जब एक्सेस में होगा तभी वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करेगी। द कंडीशन अंडर विच ए रिएक्शन बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट, जो मोस्टली वाटर होता है, इज टेकन इज एक्सेस, सो इट्स कंसेंट्रेशन प्रैक्टिकली रिमेन्स कॉन्स्टेंट। देखिए जैसे ये है एग्जाम्पल्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होता है एस्टर का, ये इथाइल एसिटेट है, वाटर के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये वापस कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल बना देता है। आपको पता है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में होता क्या है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में हम एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर एस्टर बनाते हैं, यहाँ पे एस्टर हाइड्रोलाइसिस है, वो एस्टरीफिकेशन की अपोजिट रिएक्शन है जिसमें एक एस्टर वाटर के साथ रिएक्शन करके इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट। मैं बार बार एसिड एज ए कैटलिस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जब इसके बारे में रिएक्शन इक्वेशन फॉर रेट कॉन्स्टेंट पढ़ेंगे तो उसमें हमें वॉल्यूम ऑफ कैटलिस्ट यूज या वॉल्यूम ऑफ बेस यूज उसका जिक्र आएगा। उसके लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर होता है और यहाँ पे आप H2O को एक्सेस में ले लेते हैं, H2O को एक्सेस में लेना है, तब ये रिएक्शन सिर्फ इसकी एस्टर की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट आपको ये मिलेंगे। लेकिन अगर वाटर इज नॉट टेकन इन एक्सेस देन इट इज ए बाईमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर का मतलब इट इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स रेट डिपेंड्स ऑन बोथ द रिएक्टेंट्स एस्टर एज वेल एज वाटर, बट इफ वाटर इज टेकन इन एक्सेस इट इज ए इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि वाटर को आपने एक्सेस में ले लिया, इसकी कंसेंट्रेशन प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट रहेगी, तो रेट क्या हो जाएगा, के और ओनली डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ एस्टर ओनली। इसी तरीके से एसिड कैटलाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, देखिए यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले आपका जो फोकस है वो यहाँ इन्वर्जन वर्ड पे डालना चाहूँगा। इन्वर्जन क्या होता है उसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक वर्ड आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है कि कोई भी वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है, चाहे वो किसी भी एंगल में करे। देखिए ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो एक सिंगल प्लेन में प्रोपेगेट कर रही है, इट इज़ कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर किसी सब्सटेंस में से पास होती है और उसके बाद वो अपनी जो बेसिक डायरेक्शन है उसको चेंज कर देती है, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए या एंटी क्लॉकवाइज, ये इसकी बेसिक डायरेक्शन थी, प्लेन था और उसके बाद इसने क्या कर लिया, अपना एंगल रोटेट कर लिया, ये रोटेशन है, ये चाहे क्लॉकवाइज रोटेशन हो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो। वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और इसके एंगल ऑफ रोटेशन का हमें एक अपरेटस होता है पोलरीमीटर, वहाँ से पता लगेगा। तो द प्रॉपर्टी बाई विच ए सब्सटेंस रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस क्या होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस वो होते हैं, देखिए मैंने आपको यहाँ बताया है कि यहाँ जो रोटेशन है वो दो टाइप से हो सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगा, जो सब्सटेंस क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे प्लेन पोलराइज लाइट को, उनको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे उनको हम लीवोरोटेटरी कहते हैं। दिस इज अबाउट द
डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी, मतलब टाइप ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो प्लेन पोलराइज लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट के एंगल को राइट एंड डायरेक्शन में रोटेट करेंगे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट एंड डायरेक्शन में रोटेट करेंगे वो लीवो रोटेटरी सब्सटेंस कहलाएंगे। जैसे ये देखिए, अब यहाँ पे एसिड कैटलाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, वहाँ पे इन्वर्जन वर्ड हमने क्यों लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्वर्जन जो वर्ड है वो इन्वर्ट से आया है, इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा करना। तो C12H22O11 सुक्रोज है, और सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है। जैसे ही एसिड की प्रेजेंस में इसका डिसोसिएशन होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिक्सचर है वो लीवो रोटेटरी मिक्सचर बन जाता है। कैसे? कि ग्लूकोज तो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है जिसका ऑप्टिकल रोटेशन 52.5 है, लेकिन जो फ्रक्टोज है उसका नेगेटिव का मतलब लीवो रोटेटरी सब्सटेंस है। ये लीवो लिख रखा है मैंने, यहाँ पे डेक्स्ट्रो है, लीवो रोटेटरी है, और लीवो रोटेटरी में इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो -91 है। माइनस का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ये प्लस डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो इतना इन दोनों का जो ओवरऑल मिक्सचर आप देख रहे हैं कि फ्रक्टोज का लीवो रोटेटरी एक्शन ज़्यादा है -91 और इसका +52, तो ओवरऑल ये जो मिक्सचर बनेगा ये लीवो रोटेटरी सब्सटेंस बनेगा। यानी कि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, एसिड की प्रेजेंस में जो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एसिड की प्रेजेंस में जो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है वो क्या है, डेक्स्ट्रो से लीवो बन रहा है, यानी कि इन्वर्जन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कह रहे हैं। दिस कन्वर्जन ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुक्रोज इनटू ए लीवो रोटेटरी मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज कॉल्ड एज द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये भी जब हम इसमें भी वाटर को जब एक्सेस में लेंगे तो ये भी क्या है, एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन सिर्फ सुक्रोज की कंसंट्रेशन, इसका जो रेट है इस रिएक्शन का वो सिर्फ सुक्रोज की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। काइनेटिक्स ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, इसका मतलब ये है कि जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे, यानी कि उनमें जो रेट कांस्टेंट वाली जो इक्वेशन लगेगी वो फर्स्ट ऑर्डर की ही लगेगी। तो उसके लिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, K इज इक्वल टू 2.303 log V इन्फिनिटी माइनस V नॉट अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT। देखिए ये V इन्फिनिटी, VT और V नॉट क्या है, ये एक्चुअल में क्या होता है, आपको पता है कि एस्टर हाइड्रोलाइसिस में हमारे पास एसिड दो टाइप से यूज होते हैं, दो टाइप से, एक तो कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज होता है और एक प्रोडक्ट बनता है हमारे पास। कैटलिस्ट की फॉर्म में H पॉजिटिव लाइक H2SO4 ले लिया आपने, और प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है CH3COOH, एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिड को जब हम टाइट्रेट करेंगे हम विद बेस, तो ये जो बेस का मतलब NaOH कह सकते हैं आप। तो ये जो है ये वॉल्यूम V इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टाइम के बाद बेस का वॉल्यूम है जो उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, VT टी टाइम के बाद बेस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ NaOH आफ्टर टी टाइम, और V नॉट वॉल्यूम ऑफ बेस आफ्टर एट जीरो टाइम, यानी कि रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। इसका मतलब यहाँ पे जो जीरो है वो सिर्फ और सिर्फ इस कैटलिस्ट के लिए यूज होगा बेस, क्योंकि प्रोडक्ट वाला एसिड तो आपके पास बना ही नहीं है। NaOH इज यूज टू टाइट्रेट विद H पॉजिटिव एसिड के साथ, एसिड एज ए कैटलिस्ट एज वेल एज द एसिड फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। दो टाइप्स में एसिड आपका प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, एक कैटलिस्ट की फॉर्म में आपने ऑलरेडी ले रखा है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। यहाँ पे ये जो वॉल्यूम्स हैं ये वॉल्यूम ऑफ बेस यूज्ड हैं टिल द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। इसी तरीके से फॉर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर आप काइनेटिक्स रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, इसको 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए होता है, वहाँ से उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है ये भी, लेकिन ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है कि आर नॉट इज द एंगल ऑफ रोटेशन एट जीरो टाइम, यानी कि जब सुक्रोज का कन्वर्जन शुरू नहीं हुआ है, और आर इन्फिनिटी है टोटल कन्वर्जन, जब सारे का सारा सुक्रोज फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है। आर नॉट वही जीरो टाइम पे रोटेशन, और आर टी टी टाइम पे रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम टी, एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम टी, ये एट टाइम जीरो था, और आर इन्फिनिटी एट टाइम इनफाइनाइट टाइम, मतलब सब सारी की सारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन इज मेजर्ड फ्रॉम ए डिवाइस कॉल्ड एज द पोलरीमीटर। दिस इज ऑल अबाउट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। आपको ये वैल्यूज दी हुई होंगी आर नॉट, आर इन्फिनिटी और आर टी। इसी तरीके से यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ NaOH दिया हुआ होगा, वी इनफाइनाइट टाइम पे, जीरो टाइम पे और टी टाइम पे। आपको वो वैल्यूज रख के आपको ये प्रूव करना होता है कि प्रूव दैट दिस इज ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, या के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, आराम से हो जाएगी। अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है कि रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किसने किया था, रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था हेनरी बैकरेल ने। द स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप एमिशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा रेज, अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ हैवियर एटम्स। जो हैवी एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर हाई होता है, एटॉमिक मास हाई होता है, उनके न्यूक्लियस से अपने आप
अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स का जो एमिशन होता रहता है, निकलते रहते हैं, उस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डीके कुछ भी कह सकते हैं। रेडियो एक्टिव डीके दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके होता है जो यूरेनियम में होता है, वहाँ से अपने आप निकलते रहते हैं, हमें किसी एक्सेस एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक होता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके, आर्टिफिशियल का मतलब ये मैनमेड होता है, इसमें हम क्या करते हैं कुछ एलिमेंट्स को न्यूट्रॉन्स के साथ स्ट्राइक करवा के, कुछ एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियस हैं हाइवियर एलिमेंट्स के न्यूक्लियस एटम्स के न्यूक्लियस, उनको हम न्यूट्रॉन्स के साथ बम्बार्ड करवा के उनकी कोलिजन करवा के फिर हम अल्फा और बीटा रेज का एमिशन करवाते हैं और इसको हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शंस हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, जैसी हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी कि K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ एन नॉट अपॉन एन, यहाँ पे जो ए नॉट अपॉन ए था वहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, यहाँ पे एन नॉट इज द नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली इन द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो शुरू में कितने एटम्स थे, और डिकम्पोज टी टाइम के बाद जितने बच गए हैं क्योंकि उनमें से अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, तो कितने एटम्स बचे हुए हैं आफ्टर टाइम टी, और वही टी ऑफ भी वही हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन इस बार एक बात आपको ये याद रखनी है कि जो हम रेट कांस्टेंट के वहाँ पे रेट कांस्टेंट कहते थे, यहाँ इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट कहेंगे। टी ऑफ हाफ लाइफ टाइम वैसे ही निकल जाएगा 0.6, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 0.693 अपॉन के को यहाँ पे हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट कहते हैं। एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिए हम ये कह रहे हैं कि टी 100% क्या हो सकता है जब सारे का सारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कम्प्लीटली कंज्यूम अप हो जाए, तो टी 100% निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन लेफ्ट क्या हो जाएगी, जीरो, उसके बाद एन नॉट अपॉन जीरो डिफाइंड नहीं होगा, यानी कि हम लोग होल ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नेवर डिसइंटीग्रेट, कभी भी डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, टोटल लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज इन्फिनिटी, इनफाइनाइट होती है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं होगा, अगर आप यहाँ पे टी करके और नीचे के करके लोग एन नॉट बची हुई कंसंट्रेशन इसको अगर आप जीरो लिखोगे, जीरो कब लिखोगे, जब सारे का सारा जो एलिमेंट है या जो सारे का सारा आपके पास सैंपल है वो सारे का सारा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि बची हुई कंसंट्रेशन जीरो होते ये जो सारी टर्म है ये डेफिनेट डिफाइन नहीं हो पाएगी, इनडेफिनेट हो जाएगी, इसलिए जो टोटल लाइफ है वो आइसोटोप की रेडियो एक्टिव आइसोटोप की इनफाइनाइट होती है, इसलिए हम क्या निकालते हैं एवरेज लाइफ या नेचुरल लाइफ कैलकुलेट करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए, और वो किसके इक्वल होती है, वो होती है इनवर्स ऑफ डीके कांस्टेंट 1 अपॉन के, और के की वैल्यू अगर आप यहाँ लिखते हो 0.693 अपॉन टी ऑफ तो वो 1.44 ऑफ टी ऑफ बन जाएगा, यानी कि एक नेचुरल लाइफ है या एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो टी ऑफ का 1.44 टाइम्स होता है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और है, जैसे कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो थी वहाँ पे हमने पहले पढ़ा था वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो के की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे जो डीके कांस्टेंट है के वो टेम्परेचर प्रेशर इन कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। अब एक टर्म पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी है कि क्या होता है, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट्स हार्ड स्फेयर्स होते हैं, जब उनके बीच में कोलिजन होगा तब वो रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, लेकिन क्या होता है कि सारे के सारे कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि उनके पास एक सफिशियंट अमाउंट में एनर्जी नहीं होती, एक मिनिमम अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है, ये एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स है, ये एवरेज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स है, तो और इतना मिनिमम आपको चाहिए, ये एनर्जी की वो वैल्यू है जो मिनिमम चाहिए जिससे कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, तो इतना जो डिफरेंस है एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द थ्रेशोल्ड एनर्जी, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट्स व्हेन देयर मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास एक इनफ अमाउंट में मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिससे कि वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन बन जाए, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब वो कोलिजन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, कई बार ऐसा होता है कि रिएक्टेंट्स हैं वो कोलाइड करेंगे और रिएक्टेंट की फॉर्म में ही अलग हो जाएंगे, वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, इफेक्टिव कोलिजन वो होगा जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करेंगे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो उन और इफेक्टिव कोलिजन वही होंगे जो एक इनफ एनर्जी के साथ, यानी कि जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगी, वो जब टकराएंगे तो उस एनर्जी जो उनके कोलिजन है उनके बीच में वो एक थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, वही कोलिजन्स इफेक्टिव कोलिजन्स कहलाएंगे।
द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाई द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कम से कम वो एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और थ्रेशोल्ड एनर्जी और एवरेज एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है, रिएक्टेंट्स की एवरेज एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की आप दूसरी डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स हैं, इनको एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, कम से कम इतनी चाहिए, है इतनी तो एक्स्ट्रा इतनी और चाहिए ना, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो आप दो तरीके से इसकी डेफिनेशन दे सकते हो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और रिएक्टेंट्स के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको, या रिएक्टेंट्स को जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए, उसको आप क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट्स और द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यहाँ पे ये वर्ड एक्स्ट्रा अलग आ रहा है, बाकी जो डेफिनेशन है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी की और इसकी सेम है। यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एक्स्ट्रा वर्ड पे स्ट्रेस ज़्यादा देने की ज़रूरत है कि एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी चाहिए। जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, इसका मतलब क्या है कि ये एक टाइप से, देखिए आप समझ पा रहे हैं कि ये एक बैरियर का काम करता है, हर्डल का काम करता है। तो ये हर्डल, ये बैरियर जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो उस रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। यानी कि अगर किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो उसका रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। दिस इज अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आरहेनियस इक्वेशन एंड कोलिजन थ्योरी, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।